नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लीजर। प्लीजर होता क्या है, जिसे खुशी की बात करते हैं हम लोग। जब भी खुशी वो चीज है जिसको काम जिस काम करने से आपको जो है अंदर से फील अच्छा हो, मतलब आप मोटिवेटेड फील करें, मतलब जिस काम को करने में आपको हर दिन खुशी फील करता हो, हर दिन आपको इच्छा करे सुबह उठते ही कि हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज द प्लीजर। लेकिन प्लीजर जो है ये दो फॉर्म में आपका लेंगे, या एक लॉन्ग टर्म के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्षणिक सुख। तो क्षणिक सुख मेरे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, एंड लॉन्ग टर्म का जो हम प्लीजर लेते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब भी हम बात करते हैं दोस्तों क्षणिक सुख की, है ना, जैसे मान लीजिए क्षणिक सुख के भी दो एस्पेक्ट्स हैं आपके, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से एक नेगेटिव एस्पेक्ट से आपके। क्षणिक सुख में एक सबसे बड़ी कमियां ये है कि जब आप वो काम करते हैं उस समय आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स जब वो काम आपका हो गया, आफ्टर 2 मिनट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए अंदर से आपको फील होता है कि मैंने बहुत ही गलत किया, है ना, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता है, दैट इज द क्षणिक सुख। तो लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, क्षणिक सुख या लॉन्ग टर्म? सर, लॉन्ग टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्षणिक सुख जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो शॉर्ट टर्म की जो प्लेयर है, शॉर्ट टर्म की जो प्लेयर वो आपको लॉन्ग टर्म में नेगेटिव एनर्जी डालती है आपको, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की प्लेयर है वो आपको हमेशा के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी डालेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन किया, जैसे अभी आप यूपीएससी एएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका गोल है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हूं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं आपका गोल है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हूं, तो आपकी सक्सेस की लॉन्ग टर्म की जो प्लेजर है जब आप उसको आप अचीव करेंगे, देन आफ्टर द अचीवमेंट आपकी जो प्लेजर है वो लॉन्ग टर्म की रहेगी। जैसे आपको एग्जाम क्रैक किए, एग्जाम क्रैक करने वो आपकी क्या थी, गोल था। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आपका क्या है, गोल है, उस गोल को जब आपने अचीव किया तो आपकी लॉन्ग टर्म की प्लेजर है। लेकिन क्षणिक सुख मान लीजिए शॉर्ट टर्म की प्लेजर, मान लीजिए आपने किसी की पैसे चोरी कर लिए, आपको अंदर से फील हो रहा है कि चलो मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको क्या है, आपको बर्बाद कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल जो नौजवान हैं, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, आजकल पढ़ाई लिखाई से अलग होकर के आजकल देखते होंगे साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड अभी जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था कि साइबर क्राइम में जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है वो आपके डेवलप कंट्री है। तो जो भी डेवलप कंट्री है वो सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, और जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहां से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बोल सकते हैं आपके छोटे छोटे एज के स्टूडेंट्स जितने भी हैं सब इन्वॉल्व हो चुके हैं किसमें, साइबर क्राइम में। अब मुद्दा ये आता है कि आप साइबर क्राइम से आप बहुत सारे पैसे कमा लिए, क्या वो लॉन्ग टर्म आपको खुशी दे रही है? नहीं। क्या आपको लोग अच्छा बोलेंगे? नहीं। क्या आप किसी के सामने अच्छे तरीके से रेस्पेक्टेबल ढंग से बैठ सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने आप को अपने आईने में खड़ा होकर के बता सकते हैं कि मैंने ये पैसे मेहनत से कमाया है? नहीं। सर, आपको वो शॉर्ट टर्म की, आपकी शॉर्ट टर्म की खुशी है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको नेगेटिव एनर्जी डाल रही है। इसलिए हम वर्क करें पॉजिटिव एनर्जी जो लॉन्ग टर्म आपको दे रही है, एंड पॉजिटिव एनर्जी लॉन्ग टर्म वही दे सकता है जब आपका माइंडसेट एक गोल के प्रति होगा। सर, जब आप एक गोल के लिए वर्क करेंगे, जब आपका गोल एक होगा, जब अपनी गोल आप बार बार चेंज नहीं करेंगे, सर, जो भी क्षणिक सुख वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहते हैं, वो बार बार हर दिन अपना गोल चेंज करते हैं। आज कहेंगे ये करेंगे, कल कहेंगे ये करेंगे, उससे लाइफ में कभी कुछ नहीं हो पाता है। आज बोलेंगे एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, आज बोलेंगे मैं मैट्रिक का तैयारी, आज बोलेंगे कि मैं जो है सीएससी का तैयारी कर रहा हूं, परसों बोलेंगे सीएससी नहीं हो पाएगा एएससी का तैयारी कर रहे हैं। बार बार वो अपना गोल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उसको लगता है कि 10 दिन ये क्षणिक सुख मिलेगा, 11वें दिन में मैं जो है अचीव कर लूंगा, बट वो लॉन्ग टर्म प्लेजर आपका नहीं है। सर, आज ये बिजनेस कर रहे हैं, कल वो बिजनेस करेंगे, परसों वो बिजनेस करेंगे, सर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
जब तक आप एक बिजनेस एक माइंड के साथ आप नहीं रहेंगे तब तक बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेम चीज पढ़ाई में सक्सेसफुल होना है, जब तक आप एक गोल को नहीं रखेंगे, एक गोल, सिंगल माइंडेड डिवोशंस आपको चाहिए। सिंगल माइंडेड डिवोशंस आपको बहुत ही जरूरी है सर। ऐसा नहीं कि किसी का भी फॉर्म आया, भर दिया, निकल गया, नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो सिंगल माइंडेड डिवोशंस चाहिए। एंड आफ्टर अचीवमेंट जो मिलेगा आपको वो लॉन्ग टर्म प्लेजर है सर। आप जिंदगी में सेटिस्फाई होंगे, आप अपने लाइफ से जो चाहा वो आपको मिला, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका 100% रहेगा सर। करोड़ों पैसा जो कमाते हैं वो भी वही 2 वक्त की रोटी खाएंगे, नहीं कमा रहे वही भी वो भी वही 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। पर डिफरेंस क्या है कि जो आपकी अर्निंग ऑफ मनी है और जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ आप बोलेंगे सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, ये बहुत कम लोगों में होती है। अगर ऐसा होता, सेटिस्फेक्शन लेवल अगर आपकी अचीव होती, तो बहुत सारे करोड़पति आत्महत्या नहीं करते। सो मेन गोल आपका लाइफ का क्या है कि सर सेटिस्फेक्शन लेवल, आप जिस काम को करने में सेटिस्फाई फील कर रहे हैं वो काम कीजिए, बट उसको डिवोशंस के साथ कीजिए। उसमें सेल्फ ऑनेस्टी रखिए, उसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी आपका बहुत रखना बहुत जरूरी है। आप सर देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पाथ से बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। उसको पूछिए कि आपने 15 से 20 साल अपने लाइफ में क्या किया है, किस तरह के डिवोशंस के साथ काम किया है। सर उनको पता चल जाएगा कि मैंने लाइफ में सिर्फ खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने सिंगल माइंडेड डिवोशंस किया है, 1, 2 या 3 साल के बाद खोने के बाद सिर्फ उसने पाया ही पाया है, उसके बाद उसकी लाइफ कभी रुकी नहीं है सर। इसी बोलते लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। सो लेट्स यूनाइट एंड वर्क फॉर द लॉन्ग टर्म प्लेजर, नॉट द शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स आपको ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी की तरफ धकेलती है। लॉन्ग टर्म प्लेजर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही देगी। आप नेगेटिव एनर्जी के साथ कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे सर। सो हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। एंड ये अभी 1 महीने के बाद आपका ईएससी प्रीलिम्स का जो है एग्जाम होने वाला है, उसको आप कंटिन्यूअसली आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बार बार लगाइए। एंड कोई भी तरह का डाउट्स होता है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, एंड उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे जीएस का भी कर रहे हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं। मेरे से जो भी बन पाएगा सर मैं आप लोग के साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश चेंज हो, मेरा गाँव मोहल्ला एंड पूरा वर्क के लोग ही जाए, पूरा देश चेंज हो। हम सब देश के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने बेटर फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड आने वाले जनरेशन को अच्छा देने के लिए वर्क कर रहे हैं हम लोग। सो ये ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो आज अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुके हैं, साइबर क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनसे भी यही कहना है कि ये गलत है। किसी की मेहनत का पैसा को आप जो है बहुत जल्दी उड़ा देते हैं, जो बहुत ही गलत कर रहे हैं, शायद इसको आपको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। एंड आज आस पास के सरकमस्टेंसेस में उठा के देखिए, आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा कि जो है इतने लोग जो है अभी तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो सर उनसे भी विनती है कि ये सब काम को छोड़ दें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने लाइफ को अच्छे बेटर वे में मेहनत के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।